जय हिंद साथियों, ये मार्कोस टीम है और आप देख रहे हैं हमारी वीडियो को। पीछे खड़े हमारे जो लड़के हैं, आप सोच रहे होंगे ये किसकी तैयारी कर रहे हैं। ये सीपीओ की एग्ज़ाम दे के आए हैं प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में क्या अंक आ रहा है और कितने अंक में तैयारी करना चाहिए, इस बार मैं बता रहा हूँ। जो लड़का फिजिकल क्वालिफाई करेगा उसकी मेरिट बनेगी, क्योंकि सीट काफ़ी अधिक है, 4200 समथिंग सीट है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने अंक वाले लड़के रनिंग स्टार्ट कर दिए हैं। कल चार अभ्यर्थी आए थे, आज सीपीओ के अभ्यर्थी बढ़े हैं क्योंकि नई बैच कल से प्रारंभ की गई है। अब जानेंगे अभ्यर्थियों का अंक कितना है और कैटेगरी क्या है, जिला कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, नाम क्या है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट, हिमांशु नाम है आपका। कितना अंक आ रहा है? 163। वेरी गुड, इसके लिए जोरदार ताली एक बार। काफी मेहनत करना पड़ता है। सबसे अधिक अंक है अभी तक हमारे टीम में 163 अंक, उसके बाद 150 अंक है इनका। इनके लिए जोरदार ताली एक बार। नाम बताइए अपना और जिला बताइए। गोपाल सरन जहानाबाद, 150 अंक। आप आइए, कौन सा जिला, नाम? सारण। और कैटेगरी? ओबीसी। 148.5 मार्क्स आ रहा है सीपीओ में इनका। इनके लिए भी ताली बजना चाहिए, काफी बढ़िया मार्क्स है। आपका 147 मार्क्स है, कितना है? 147। कैटेगरी ओबीसी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा रहे एकदम। आपका ब्रजेश कुमार 142 मार्क्स आ रहा है। और हमें लगता है कि जो अगर आप मेरिट मेंस में बढ़िया करते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन से दोस्त। बहुत सीट है इस बार, इसलिए एक बार जान लगा के मेहनत कर दो। आपका 130 EWS गोविंद कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका सुशांत सिंह 126 EWS से हैं। बहुत बढ़िया। आपका मेरा 120.25 है। कृष्णा कुमार फ्रॉम खगड़िया। वेरी गुड। कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी, बहुत बढ़िया। आपका 130। नाम और कैटेगरी? नीनी कुमारी, EWS कैटेगरी। साथियों, हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को। आपका इतने में रिजल्ट बनेगा, 120 में भी बनेगा, लेकिन जो मेंस की एग्ज़ाम होगी उसके आधार पे आपकी मेगा सूची बनाई जाती है, यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो आप उसके लिए अभी से मेहनत में लग जाएं। देखिए, फिजिकल 6.5 मिनट का है। आपको लगता है कि ये छटेगा? ये नौजवान लड़का, ये अगर नहीं भी प्रैक्टिस करेगा ना, 15 दिन दौड़ेगा तो 6.5 के अंदर आएगा। इनकी उम्र अधिक नहीं है, इनका दम अभी कम फूलेगा, नई शरीर है, नई बॉडी है। आप देखिए इस लड़के को, आपको लग रहा है कि ये फिजिकल में फेल करेगा? किसी भी कीमत पे फेल नहीं करेगा, क्योंकि इनकी बॉडी जो है अभी ये बड़े हो रहे हैं और ज़्यादा उम्र भी नहीं है। यहाँ पे अगर दम लगा के भागेंगे ना तो नौकरी हो जाएगा। असफलता सिद्ध करती है कि परिश्रम पूरे मन से नहीं हुई थी। जो लड़के छटे हुए हैं वो इस बात को मान लें कि इस बार आप पास कर जाएंगे, लेकिन एकाग्रचित होकर आपको मेहनत करना पड़ेगा और कंसिस्टेंस में मेहनत करना पड़ेगा। ऑलवेज आउटकम बढ़िया होता है, रिजल्ट बढ़िया होता है जब आप दिल से मेहनत करते हैं। तो देखिए, अगर आप संघर्ष करिएगा ईमानदारी से 100%, तो माँ कसम आपका रिजल्ट होगा। मैंने अपने जीवन से एक चीज़ सीखा है कि जो लड़का 100% देगा उसकी रिजल्ट होगी। मेरे प्यारे भाइयों, जो बहन मेहनत करेगी उसकी रिजल्ट होगी। तो आप सभी जहां भी हैं लगे रहें, और हम सभी आपके लिए खड़े हैं। नीचे नंबर दिया है, आपको कोई भी डाउट होता है पूछिए। ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास आप आएंगे, फी जमा करेंगे, तभी हम कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं है। जिस परिवार से आप हैं उसी परिवार से मैं हूँ। पैसा नहीं है आपके पास, फ्री में आके ट्रेनिंग करिए, लेकिन आप ट्रेनिंग के चलते फेल मत होइए। हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद।